आगे बढ़ते हैं। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने विधानसभा में परिवहन विभाग की बैठक ली। बैठक में नई बसों को खरीदने, दुर्घटना राशि, मृतक कर्मियों के आश्रितों को नौकरी, सुरक्षा निधि बढ़ाए जाने और प्रदेश में बस दुर्घटनाओं को कम कैसे किया जाए, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई। प्रदेश के लिए जल्द 610 नई बसें खरीदने की तैयारी है, जिसमें 200 बसें BS6 मानक की होंगी, जो देहरादून से दिल्ली रूट पर चलेंगी। सुनिश्चित कर दिया कि ड्राइवर कंडक्टर वर्दी पहन के ही गाड़ी में आए और उनके लिए नेम प्लेट की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर दी है। और इस बीच सुखद ये है कि हम जो हमको उत्तर प्रदेश से पैसा आया, जो हमारी आमदनी से पैसा आया, इस समय हमारे पास लगभग 250 करोड़ रुपया रोडवेज के खाते में है। और एक जो समस्या थी मृत आश्रित कर्मचारियों को रखने की, तो अभी 21 तारीख को बोर्ड बैठक में मृत आश्रित कर्मचारियों को रखने का भी प्रस्ताव आ रहा है। उधर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। इस दौरान धन सिंह रावत ने संस्कृत विश्वविद्यालय में 5 करोड़ की लागत से बनने वाले गेस्ट हाउस का शिलान्यास किया। धन सिंह रावत ने कहा कि आने वाले समय में संस्कृति विश्वविद्यालय में सुविधाएं और भी बेहतर होंगी। संस्कृत विश्वविद्यालय यहाँ पे है और हॉस्टल भी यहाँ पे बन के तैयार हो गए। आज लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से हमारी सरकार यहाँ पे एक गेस्ट हाउस बनाने जा रही है, ताकि जो हमारा केंद्रीय मूल्यांकन होता है, बाहर की फैकल्टी आती है, टीचिंग शेयर के प्रोफेसर आते हैं, वो यहाँ आराम से रह सकें। और मैं एक बार फिर कह सकता हूँ कि हम लड़कियों के लिए भी एक अलग से एक हॉस्टल बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। मैंने कह दिया कि जल्दी उसकी DPR बनाई जाए। यहाँ पे पुस्तकालय का भी बहुत अच्छा एक अलग से भवन बनाएंगे। अंकिता हत्याकांड की आग अभी ठंडी नहीं पड़ रही है। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा की मांग है कि अंकिता मामले में सच तब सामने आ सकता है जब इस मामले की CBI से जांच होगी। इसके कहने पर बुलडोजर चलाया गया था, उसके खिलाफ अभी तक क्यों नहीं पुलिस ने कार्रवाई की, क्यों नहीं एविडेंस नष्ट करने के मामले में गिरफ्तारियां हुई, रिपोर्ट दर्ज हुई, तो ये सारे मामले ऐसा लगता है कि सरकार का पहले दिन से ही बड़े लोगों को, रसूखदार लोगों को बचाने का है। और इसकी जांच लगता बिना CBI जैसी स्वतंत्र संस्था के संभव नहीं है। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार में महिलाओं का अपमान हो रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने बंशीधर भगत के देवी देवताओं पर दिए गए बयान को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा है। ऐसा बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ अंकिता हत्याकांड पे भाजपा की महिला नेत्री सब चुप है। वो क्यों चुप है वो बताएं, और चुप होने से मुझे पता चलता है कि महिला का वो कितना सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ बंशीधर भगत जी ने जो देवी देवताओं का अपमान किया है, उसके लिए देवभूमि उत्तराखंड उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। उनके दौरे की शुरुआत 14 अक्टूबर को यानी आज काठगोदाम से होगी। 15 अक्टूबर को बूथ और मंडल पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद प्रबुद्ध लोगों के सम्मेलन को आयोजित किया जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।